नमस्कार दोस्तों, साबन फार्मेसी में स्वागत है, आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर फिर लेकर के आया हूँ सेल के बारे में। हमें जो जानकारी प्राप्त करनी है, सेल क्या होती है, सेल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सेल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो है वो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो हमारे बॉडीज पार्ट्स में जो भी बना हुआ है, सबसे पहले अगर उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सेल ही एग्रीगेट करके आगे जा करके टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से फिर ऑर्गेन बनती है, ऑर्गेन से फिर ऑर्गेन सिस्टम बनती है, फिर ऑर्गेन सिस्टम से हमारा ये बॉडी तैयार होता है। ठीक है, तो आपने डिफिनेशन तो पता कर लिया, सुन लिया, है ना। अब हम चलेंगे कि डिफिनेशन क्या होती है टिश्यूज की। तो टिश्यूज का डिफिनेशन होता है एग्रीगेटिंग, ठीक है, एग्रीगेटिंग एंड कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर एंड परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। ठीक है, उसको हम टिश्यू जानते हैं। ऐसे आप अगर मानव की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए कि मानव कैसे बनते हैं, तो उसमें भी सेल्स का बहुत बड़ा रोल्स होता है। ठीक है, तो सेल्स में सबसे पहले अगर मानव की अगर बोला जाए तो मेल में जो है वो हमारा स्पर्म, फीमेल में ओवम, ये भी सेल है। ठीक है, तो ये दोनों जा करके फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद में जायगोट बना, ये दोनों गैमेट फ्यूज किया, जायगोट बना, जायगोट से मेरोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट से फिर मोरूला, गैस्टूला, फिर जा करके एम्ब्रायो में अटैच करके फिर यह एम्ब्रायो में फिर कुछ दिन तरह 9 मंथ 16 डेज ऐसे करके रहा, तो उसके बाद में किसी बच्चे की डिलीवरी होती है। ठीक, ये वो उसका प्रोसेस है, लेकिन हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर सेल्स में हमें अध्ययन क्या करना होता है कि कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, मैंने सेल्स को पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा, टिश्यूज की डिफिनेशन भी थोड़ी पढ़ ली। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है कभी, इसलिए। तो टाइप ऑफ सेल्स में अगर हम बोले तो टाइप ऑफ सेल्स में हमारा होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाउटर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बोला जाए तो एपिथेलियल सेल होते हैं, मस्कुलर सेल्स होते हैं, है ना। और हर एक टिश्यूज का अलग अलग सेल्स है, लेकिन अभी हम यहाँ मेनली सेल्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एसिडोफिलिक सेल्स कहते हैं, एडिपोज सेल कहते हैं, और ये सेल कहते हैं अल्फा सेल कहते हैं, है ना, और बीटा सेल्स कहते हैं, बेसल सेल्स कहते हैं, बेसोफिलिक सेल्स कहते हैं, कॉलोनार सेल्स कहते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं, है ना, और नर्वस का रहता है न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स है। बोन के अगर बारे में बात करेंगे तो बोन्स का भी सेल्स होता है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ सेल्स के बारे में। ठीक है, और जो हमारे सेल्स होते हैं वो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, जर्म सेल होते हैं, गैंट सेल होते हैं, और फिर म्यूकस सेल्स होता है, नर्वस सेल्स होता है, प्लाज्मा सेल्स होता है, पस सेल्स होता है, और टेस्ट सेल्स जो होता है, टेस्ट बर्ड को जो पहचानते हैं, विजुअल सेल्स होता है, जो आंखों से हम देखते हैं, उसका भी सेल्स है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं। कुछ आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये सेल्स की पिक्चर है, आप अंदाजा कर सकते हैं कैसे किस तरह से सेल्स है। ठीक है, उसके बाद में हम अध्ययन कर देते हैं कि एक एक करके सेल्स के बारे में हम जानेंगे, सेल्स क्या है और सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद में हम सेल के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। ये हमारे सेल्स के अगर स्ट्रक्चर बोला जाए तो सेल की यह स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, कैप्सुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉलनी बॉडीज और
न्यूक्लियोलस पेरिराइबोराइक्सोम रहता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइक्रोफिलामेंट इसका जो लेयर से आउटिंग कवरिंग किया जा रहता है वो हमारा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जो रहता है उसको साइटोन कहते हैं, उसके अंदर जो रहता है उसको फ्लूइड रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है, और इनर फिलामेंट भी रहते हैं। कुछ जो राइबोसोम डॉट डॉट्स रहे आपने देखा होगा उसमें राइबोसोम रहता है, ठीक है ना, क्रोमैटिन्स रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन रहता है जो डीएनए और आरएनए से बना रहता है, न्यूक्लियोसोम होता है और गॉल्जी अपर्चर्स होता है, ठीक है, गॉल्जी बॉडीज होते हैं जिसको गॉल्जी अपर्चर्स को गॉल्जी बॉडीज कहते हैं, गॉल्जी वेसिकल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स हमारा सेल्स में पाए जाते हैं, तब हमारा एक जो सेल बनता है, ठीक है। फिर यही सेल एग्रीगेट करके, यही सेल अरेंज होकर के हमारा टिश्यू का निर्माण करता है, वो कोई भी एक प्रकार का सेल में, या तो फ्लूड में हो या तो स्टिप में अगर बात की जाए तो बोन्स में हो, ठीक है। तो हम सेल्स को बहुत ऐसे सेप्स हैं जिसके बारे में सर्कुलर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, है ना, तो बहुत तरह से ये होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन्स हो, सेल वाल हो गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में बहुत अलग अलग इसके स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग साइज के ये होते हैं, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो कंसिस्ट करता है, यानी कि सेल एक हो गया उसके अलग अलग पूरे चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, जो ढक करके रखा हुआ है सेल्स के अंदर के एक कंपोनेंट्स को, उसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जो सेल कोई भी एक सेल के कंपोनेंट को एक सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, दो फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं, ठीक है, दो फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं, और दूसरी ये बैरियर रहता है, रेगुलेट करता है, फॉलो द मटेरियल बिटवीन द आउटर टू द इनर एंड इनर टू द आउटर सेल से, आउटर टू द इनर सेल एंड इनर सेल टू द आउटर सेल से, ये डिफ्यूजन वगैरह में ज्यादा करके होता है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो ये कम्युनिकेशन होता है, इसको इस तरह से कहते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सचेंज ही करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करता है, ठीक है, तो फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हेड अगर उसकी बोला जाए कि हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूड्स रहते हैं, जैसे उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये फ्लूड कंटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा ज़्यादा पाया जाता है हमारा सेल्स में, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब होता है वो या तो नेगेटिव चार्ज आयंस रहते हैं या पॉजिटिव आयंस रहते हैं, कैटायन और एनायन ऐसे करके चार्ज रहते हैं, जो ज़्यादा करके हमारा न्यूक्लियस में ज़रूरत पड़ती है सब चार्ज की, और ऑक्सीडाइज में जब भी ऑक्सीजन आता है तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, तो उसमें भी एक चार्ज लगा हुआ रहता है, ठीक है। जनरली हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, जो आपको ऑनली लंग्स में जब हम जाएंगे तो लंग्स में से सारे हम क्लियर करेंगे डाउट्स को, ठीक है। अभी हम सेल्स के बारे में ही रहेंगे, सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें कहता है कि टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की जो पूंछ तक लंबी पूंछ रहती है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स के पास कोई चार्ज नहीं होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं इन नेचर, यानी कि वाटर लविंग रहते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं रहते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ में, लेकिन ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म जो रहता है, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म का कहते हैं इट कैन स्टैंड
सेलुलर सेंटर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मसल्स, मसल्स को छोड़ करके कोई भी अगर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा करके प्लाज्मा पाई जाती है। कंपोनेंट जिसको सिस्टॉल कहते हैं, ये जो रहता है फ्लूड पोर्शन ऑफ द सेल्स है, ठीक है। सिस्टोसॉल साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट है जिसको सिस्टोसॉल कहते हैं, वो मेनली रहता है फ्लूड पोर्शन ऑफ द सेल्स है, ठीक है। वो फ्लूड कंसिस्ट करता है 55% टोटल सेल्स ऑफ वॉल्यूम का फ्लूड जो रहता है वो हमारा इसी में